क्या कर रहे थे आप? और ये क्या है? तोहफा। मेरे लिए? नहीं, पड़ोसी के लिए। आपके लिए। साड़ी? जी साड़ी। आप अपने वतन में यही पहनती होंगी ना, तो सोचा इससे खूबसूरत तोहफा क्या हो सकता है आपके लिए। मैं आपसे कैसे शुक्रिया कहूँ, समझ में नहीं आ रहा है। पता है मैं कब से सोच रही थी कि काश मुझे एक साड़ी मिल जाती पहनने के लिए। कल तीज का त्योहार है ना, इसके लिए। और आपने मेरे लिए अच्छा। हम अशफाक से मोहब्बत करते हैं, उनसे निकाह करना चाहते हैं, तो अगर आप उन पर डोरे नहीं डालेंगी तो बड़ी मेहरबानी होगी। पर मैं ये कैसे ले सकती हूँ? मैं इसे नहीं ले सकती। अगर आपको कुछ तोहफा देना ही है तो आपको सबसे पहले अपने परिवार वालों के लिए लेना चाहिए, निलोफर के लिए लेना चाहिए। आपसे बहुत प्यार करती है, इवानों की तरह। आपको तोहफा देना ही है तो उसे देना चाहिए। और मैं भला कौन होती हूँ आपसे तोहफा लेने वाली? आप हमारी दोस्त हैं और यूं समझिए कि ये तोहफा हमारी दोस्ती का पहला कदम है। उसका है तो मैं जरूर लूंगी। मैं आपको क्या दूं? मेरे पास तो आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। बदले में आप दुआ दुआ दे सकती हैं, और वैसे भी दोस्त की दुआ ऊपर वाला जल्दी सुनता है। तोहफे के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। हम समझ सकते हैं कि आप अल्लाह ताला से हर पल क्या दुआ मांगती हैं। बस यूं समझिए कि अल्लाह ताला ने आपकी मुराद पूरी कर ही दी। हिंदुस्तान जाने के लिए वीजा। सच में मुझे वीजा मिल गया? मतलब मैं हिंदुस्तान वापस जा सकती हूँ, अपने परिवार के पास, अपने देश में वापस जा सकती हूँ मैं? हे भगवान, अभी भी शक है आपको? सफर की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं, वापसी का इंतजाम हो चुका है। अमन की दुआ। ये जश्न हर साल सरहद के उस पार होता है। पाकिस्तानी भी आते हैं, हिंदुस्तानी भी आते हैं, और इस बार कुछ पाकिस्तानी फनकारों के साथ हम भी जाएंगे। आपको साथ लेकर चलेंगे। बस एक बार आप सरहद पार कर लें, फिर आप आजाद हैं। जमी भी आपकी, आसमां भी आपका, अपर भी आप ही के होंगे। उड़े जहां आपको उड़ना। जी आपका लाख लाख शुक्रिया। नवाजिश।
यकीन ही नहीं होता है कि मुझे वीजा मिल गया। शुक्रिया तो हमें आपका अदा करना चाहिए। अल्लाह हाफिज। हमें हिंदुस्तान वापस जाओ अपने घर। भगवान आकाश को लंबी उम्र देना और जिंदगी में खुशियां ही खुशियां देना। आज हम मीठी से अपने दिल की बात कह देंगे। कब तक छुपाएंगे हम? कह देंगे हम जानते हैं कि आप शादीशुदा हैं, मगर अगर हम आपको चाहने लगे हैं, आपके बिना जी नहीं सकते हम। सच कह देंगे आज, सच। तुम साथ हो या ना, पास हो या ना, मीठी हमेशा तुमसे ही प्यार करती रहेगी। हमें माफ कर देना मीठी, ये जानते हुए भी कि आप किसी और को चाहती हैं। दिल में एक उम्मीद सी जग गई थी आपसे मिलने के बाद। हमें तो हमारी मोहब्बत नहीं मिल सकती, मगर आपको आपकी मोहब्बत मुबारक हो। अल्लाह ताला आपको जल्द से जल्द आपके शोहर से मिला दे। शुक्रिया भाभी जान। माशाल्लाह। बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं आप, किसी की नजर ना लगे। जी शुक्रिया। अशफाक लाया था मेरे लिए तोहफे में। कहीं ऐसा तो नहीं है अशफाक के दिल में मीठी के लिए? आइए बिटिया हमारे साथ नाश्ता कीजिए। कैसे बताऊं आज मेरा व्रत है। आए बेटा, जुबैदा ने बेहतरीन नाश्ता बनाया है, आइए। अम्मी जान मैं कुछ नहीं खा सकती, वो आज आज हमारे वहाँ तीज का व्रत होता है, पति के लिए रखते ये व्रत। अरे वाह क्या जज्बा है। इसे कहते हैं हिंदुस्तानी रिवाज, तहजीब। इसे कहते हैं सच्ची मोहब्बत। अब आप लोग नाश्ता कीजिए, मैं शरबत लेकर आती हूँ। क्या आपने किसी को अभी तक वीजा के बारे में बताया? जी नहीं, अभी तक नहीं बताया, लेकिन मैं अलग तरीके से सबको बताना चाहती हूँ। मैं कुछ समझा नहीं, क्या मतलब है आपका? मतलब वक्त आने पे आपको भी पता चल जाएगा।